दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर, और मैं चूज करी है फरारी। एडवेंचर ही अलग है इस राइड का, मतलब याद रखोगे जिंदगी भर ऐसी राइड है ये। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। काफी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे, तभी मेरी आवाज ऐसी है। और अभी हम निकलने वाले हैं अबू धाबी के लिए, तो ये वाला बैग पैक करके अब हम लोग निकलते हैं। तो अराउंड 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है अबू धाबी जाने के लिए दुबई से। डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रांसपोर्ट लेते हो। तो मैं लेने वाला हूँ यहाँ से कैब मेट्रो तक, फिर मेट्रो से बस स्टेशन, बस स्टेशन से फिर अबू धाबी। टैक्सी जो है अपन को मिल गई है, वो बस यहीं पर आएगी हमारी। बड़ा अच्छा सा सिस्टम है, सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और बस का वेट कर रहे हैं। और ये अपनी बस अबू धाबी के लिए आ चुकी है, तो बस हमारी निकल रही है अब यहाँ से। वो फाइनली मैं अबू धाबी पहुँच चुका हूँ, और मैंने यहाँ का कार्ड ले लिया है, ट्रैवल कार्ड जो होता है यहाँ का। मैं अपने एयरबीएनबी में चेक इन करूँगा, और मैं अपने विला की तरफ बढ़ता हुआ। गर्मी ज़्यादा तो है, सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन पैदल ही जाना है, पैदल का रास्ता है वहाँ तक का। मैं अपने एयरबीएनबी पहुँच चुका हूँ, तो ये हमारा छोटा सा रूम है, ये रहा। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं जहाँ मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था जाने की, और ड्रीम था, मतलब बकेट लिस्ट में था कि ये जहाँ जाना है अबू धाबी के फरारी वर्ल्ड में। तो ये है फरारी वर्ल्ड यहाँ का, और ये है यहाँ का यास आइलैंड। तो आई थिंक ये अभी खुला ही है, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ। फरारी की नगरी में हम आ चुके हैं, यहाँ आपको हर जगह फरारी ही दिखेगा। तो अंदर जाने वाले हैं हम। देखने में तो काफ़ी अच्छा है, हर जगह फरारी 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 ही दिख रहा है मुझे। ये कोई कार होगी अच्छी सी, इनकी 1 सीटर कार है, इतना भी क्या है यार, उमला कार्स हैं फरारी की। तो बस मैंने अभी अभी ये वाली राइड कंप्लीट करी है, ठीक थी, वार्म अप राइड थी। 2 राइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और मेरा खाना ना खाने का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि लेवल अप हो रहा है जैसे जैसे, और वैसे ही पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कुछ ऐसी है, मैं लगभग 1.5-2 सालों से मेले तक में नहीं गया हूँ किसी पर, मैं डायरेक्ट फरारी वर्ल्ड आ गया हूँ, जिसमें एडवेंचर नेक्स्ट लेवल ही होता है। नेक्स्ट मैं जाने वाला हूँ कार्टिंग करने। ये रही टिकट कार्टिंग सेशन की, ड्यूरेशन 7 मिनट। कितने 1000 रुपये लेके 7 मिनट करा रहे हैं, बस 1 मिनट में स्टार्ट होने वाली, अभी बुला लेंगे। ठीक है, करते हैं वेट। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टिंग कैसे ऑपरेट कर सकते हो आप, पर्स प्रेस एंड होल्ड। पता नहीं यार, मैं तो पहली बार चला रहा हूँ ऐसे, कुछ स्कूटी ढंग से नहीं चला पाता, अब ये चलाने आ गया हूँ। अपनी हो चुकी है, मैंने ठोक भी दिया यार 2-3 बार, उन्होंने बोला भी मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी लेते हैं, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, और थोड़ा ब्रेक लेके मैं दोबारा करते हैं। तो मेरे हाथ पर उन्होंने स्टैम्प लगा दिए, ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे दोबारा एंट्री दे दें, लेकिन स्टैम्प दिख नहीं रही है, वो कोई लाइट मारते हैं जिससे वो दिखती है, नॉर्मली नहीं दिखेगी। कुछ खाने जा रहा हूँ यास मॉल में। तो खाना मैंने खा लिया, और मुझे अभी याद आया कि मैंने व्लॉग नहीं किया इसका, बर्गर लिया था, बर्गर लिया था, और एक सॉफ्ट ड्रिंक ली थी। ये कॉस्ट करी है मुझे अराउंड 57-80, मतलब 1200 रुपये के आसपास। ये 2 चीज़ें बस। तो खाना खा लिया है, पेट भर गया है, और अब दोबारा एंट्री करते हैं अपने फरारी वर्ल्ड में। और अभी खाना खाया है, तो इतना मैं राइड तुरंत नहीं लूँगा, थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट हो जाए, नहीं तो अगर राइड ली इस वक्त फिर तो
वही होने वाले जो सोच रहे थे। मैं दोबारा एंट्री करने वाला हूँ, हाथ पे स्टैम्प तो नहीं दिख रही है, अब बस ये देखना है कि ये लोग पता कैसे लगाते हैं। हेलो मैम, ये ऑलरेडी ये इन्होंने देख लिया है और मैं आ गया हूँ अंदर। स्टैम्प देखने का अलग तरीका है यार, ये क्या मतलब पता नहीं चल रहा मुझे। कितना बड़ा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने मैप ही ले लिया है इसका। खुल जा भाई, देखना है क्या क्या कर लिया है और क्या क्या करना है। अभी मैं जाने वाला हूँ सिमुलेटर के लिए, मैंने चूज करी है फरारी। मतलब दो ऑप्शन थे, आप फॉर्मूला चूज कर सकते हो और फरारी की सुपरकार, तो मैंने ये चूज करी है। चलाई तो मैंने दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है सिमुलेटर, और आप इसमें कार ड्राइव करते हो, आपको फील ऐसा ही होगा कि आप रियल में ही चला रहे हो, बट कुछ फिजिकल हार्म नहीं होता अगर ठुक भी जाती है तो। बस एक रियल एक्सपीरियंस है मेटावर्स की तरह। तो मेरा टर्न आ गया है और अपन जा रहे हैं। अब जाने से पहले सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ पर। फरारी में बैठते हुए या आई विल गिव यू फोन, सो चलते हैं फिर। नेक्स्ट राइड जो होने वाली है वो है टायर ट्विस्ट। तो इंडिया में जो ब्रेक डांस कहते हैं ना जिसको, उसका बस ये थोड़ा सा अच्छा वाला वर्जन है। इसमें जो बैठने की जगह है वो टायर जैसी है। और इस जगह की जो मेन हाईलाइट है वो है द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कोस्टर। तो यहाँ अब जाने का समय आ चुका है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट चाहिए, मैं स्पीड मेंशन करूँगा। ये है दुनिया का सबसे तेज वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, और इसमें आपको आँखों पे चश्मा पहनने के लिए देते हैं कुछ आई प्रोटेक्शन की तरह, ताकि इतनी स्पीड में कुछ आ ना जाए आपकी आँख में। बिल्कुल अभी अभी मैंने वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड मैंने कंप्लीट करी है, और भाई साहब मज़े ही आ गए पूरे। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया, इतनी तगड़ी राइड, मतलब मुँह में आ गए थे ये कह सकता हूँ मैं इनसेन था यार, मतलब पार दी। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ म्यूजियम भी है, पे लिखा है ऑन योर टूर ऑफ द फरारी फैक्ट्री यू विल सी हाउ अ फरारी इज मेड। एक राइड की फॉर्म में है। फॉर मेनी पीपल ओनिंग अ फरारी इज अ ड्रीम, एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजाइन ऑफ अ फरारी इज द एरोडायनामिक्स, सो अ स्केल मॉडल इज मेड एंड टेस्टेड इन द विंड टनल इन मारानेलो। After the engine has been built in this environment, it's where the famous Ferrari roar is heard for the first time. The fastest roller coaster, जब ये बन रहा था तो मैंने इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और कभी सोचा था कि जाऊंगा, तो आज आ गया फाइनली। मेरी जो लास्ट राइड थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है, द टर्बो ट्रैक। और भाई साहब ये जो राइड है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी राइड है। ये ट्रैक है इसका, और ना सामने शायद दिख रहा हो, तो वहाँ ऊपर तक ले जाते हैं ये बहुत ही स्पीड में, और फिर नीचे लाते हैं। मतलब मौत को छू के टक से वापस आने वाला सीन, बिल्कुल वही लगा मुझे। तो फरारी वर्ल्ड समाप्त, मतलब एग्जिट कर चुका हूँ मैं, ख़त्म हो चुका है। तो टॉप टू राइड्स थी मेरी, दैट इज़ रोसा और टर्बो ट्रैक। मतलब दिल दहला देने वाली एडवेंचर ही अलग है इस राइड का, मतलब याद रखोगे ज़िंदगी भर, ऐसी राइड है ये, सब कुछ फाड़ देने वाली इनसेन राइड जो थी। और रोलर कोस्टर भी थे, प्लस 4DX भी था, 3D में राइड थी, और कुछ फिल्में भी थी। 7,000 की टिकट थी यहाँ पर आने की, 2,500 का कोरोना टेस्ट था जो मैंने कराया था, प्लस 2,000 लगभग और दिए थे कार्टिंग और सिमुलेशन के।
1000 1500 का मैंने खाना खा लिया, तो लगभग 13-14 हज़ार तक का बिल बन गया यहाँ पर। इसमें मैंने ट्रैवल इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो आप अपने हिसाब से आओगे। तो फरारी वर्ल्ड से निकल कर मैं अपने एयरबीएनबी पहुँच चुका हूँ और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बस आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।